गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टू नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, ग्रैंडफादर थोड़े से पीछे हुए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पे टॉर्टोइज, और उन्होंने अपनी पॉकेट में से एक टॉर्टोइज को निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं आपको क्या दूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि उसने उस मंकी को डॉग समझ लिया था टिकट कलेक्टर ने, और उसे 3 रुपीज मांगे थे। तो उन्होंने टॉर्टोइज को निकाला और कहा कि आप सभी एनिमल्स के लिए चार्ज लगाते हैं, तो बताइए इस टॉर्टोइज के लिए मैं आपको क्या चार्ज दूँ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने बड़े नज़दीक से टॉर्टोइज को देखा, प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, एंड अपनी फिंगर से उसको धक्का दिया, एंड गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड, एक स्माइल वाली मुस्कान को दी, एंड ट्रम्पेट लुक, जैसे कि वो जीत गए हों, और सेड का नो चार्ज, इट इज नॉट ए डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये ग्रैंडफादर है, टिकट कलेक्टर है, किस तरह से रेलवे स्टेशन पर, सहारन स्टेशन पर इनकी बातचीत हो रही है। दिस इज़ अ कन्वर्सेशन विच वी आर डिस्कसिंग नाउ। वैन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रांड मदर, ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो जब टोटो को दादी माँ ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, तो हमने उसको घर में एक जो स्टेबल था घोड़ों को बांधने के स्थान, वहाँ पर उसको आराम से रख दिया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पे उन्होंने एक डंकी को पाल रखा था और उनको एक साथी के रूप में, एक परिवार के रूप में एक डंकी भी मिल गया, नाना। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब टोटो की पहली रात्रि थी स्टेबल के अंदर, घोड़साल के अंदर, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल, तो दादाजी केवल ये देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं कि यदि वो वहाँ पर आरामदायक रूप से रह रहे हैं या नहीं। टू हिज सरप्राइज, उसने आश्चर्य से पाया, ही फाउंड नाना, जो कि डंकी था, विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर, वो उसको अपने ओर खींच रहा था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, अपने सर को आगे करने की कोशिश कर रहा था, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ है, जैसे एक घास का जो बंडल था उसकी ओर, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉर्न, तो दादाजी ने नाना को ऊपर से एक स्लैप थप्पड़ मारा, हर हॉर्न, एंड सी जर्क्ड बैक, और वो झटके से उसने उसको पीछे की ओर खींच लिया, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को उसने अपनी ओर खींच लिया। ही हैड फास्टन्ड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, फिर उसने अपने जो लॉन्ग ईयर्स थे उनके बीच उनको थोड़ा तेज़ किया, एंड शार्प लिटिल, और अपने दांतों को दिखाते हुए। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और जो नाना जो डंकी था वो कभी भी एक दूसरे के मित्र नहीं बन पाए। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। अब हम देखते हैं ग्रेट ट्रीट ऑफ टोटो, जैसे विंटर के समय, सर्दियों में शाम के समय टोटो को थोड़ा हल्का
एक बोल में गर्म पानी उसको दिया गया दादी जी के द्वारा, ताकि वो गर्म पानी से उसको नहला दिया जाए ड्यू टू विंटर। अब देखिए क्या घटना होती है। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। तो अपने हाथों से बहुत चतुराई से पहले तो पानी का टेम्परेचर तापमान चेक करता है कि पानी कितना हॉट है कितना गर्म है। देन ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे स्टेप इंटू द बाथ, फिर धीरे धीरे बाथ टब में उतरता है। फर्स्ट 1 फुट, देखो पहले 1 फुट एक कदम पानी के अंदर रखता है। देन द अदर, फिर वो दूसरा कदम उसके अंदर डालता है। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि ऐसा लगा शायद उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो उसकी गर्दन तक उसके अंदर पानी नहीं आ जाए। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब पूरी तरह से आरामदायक तरीके से पानी के अंदर उतर जाता है। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, तो अपने हाथों से और अपने पैरों की हेल्प से वो साबुन को अपने हाथों में लेता है। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, वो पूरी बॉडी पे साबुन को रगड़ता है। वेन द वाटर बीकेम कोल्ड, जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट, वो पानी से बाहर निकल आता है। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड डू टू द किचन फायर, और फिर वो जितनी जल्दी हो सके तुरंत बाथरूम से निकलता है और किचन की ओर चला जाता है, ताकि अपने आप को गर्म कर सके। सो ड्राई हिमसेल्फ, ताकि वो फिर किचन की गर्मी से सूख जाए। इफ़ एनिमल लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि इस एक्टिविटी के दौरान कोई उसके ऊपर हंसता है तो टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो फीलिंग्स हैं उनको चोट पहुंचती है। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो विद हिज बाथ, और वो अपने नहाने के लिए फिर मना कर देता है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलिव, एक दिन क्या होता है कि जो टोटो है वो लगभग ये लगा लो कि बॉइलिंग हिमसेल्फ अलिव, जलने से मुश्किल से ही अपने आप को बचाने में सफल हो पाए ड्यू टू हॉट वाटर। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। इस चैप्टर को केयरफुली पूरे को पढ़ें एंड हार्ड वर्ड को नोट डाउन करें, एंड उनको हार्ड वर्ड को लिख के मुझे सेंड करें, और चैप्टर को बहुत ही केयरफुली इसको रीड करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द चैप्टर, बिकॉज समरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इनके यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स एंड उनको लर्न करने में भी आपको बहुत ही सुविधा रहेगी। ओके, हैव ए नाइस डे, प्लीजेंट, थैंक यू वेरी मच।